भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 9वें दिन जारी है। सोमवार को पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू रेसलर्स के बीच पहुंचे और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण को तुरंत अरेस्ट करने की मांग की। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार के मंत्री रंजीत चौटाला ने भी कहा कि ब्रजभूषण को इस्तीफा दे देना चाहिए। हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है, इसे खिलाड़ियों को धरने पर बैठना पड़े ये सही नहीं। मामले की सच्चाई जल्द सामने आनी चाहिए और ब्रजभूषण को इस्तीफा दे देना चाहिए। 2019 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय जीतने वाले रंजीत चौटाला ने हरियाणा में बीजेपी सरकार को समर्थन दे रखा है। चौटाला से पहले हिसार से ही बीजेपी के लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र सिंह पहलवानों का समर्थन कर चुके हैं। तमिलनाडु के सीएम और डीएम के नेता एम के स्टालिन ने पहलवानों की मांगों का समर्थन किया है। सोमवार को स्टालिन ने अपने ट्वीट में लिखा, भारत का मान बढ़ाने वाले भारतीय पहलवानों को यौन उत्पीड़न के सामने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए विरोध करने के लिए मजबूर होना दिल को दहला देने वाला है। आज हमारी पार्टी की ओर से हमारे सांसद इन रेसलर्स से मिले, हम न्याय के लिए अपने पहलवानों के साथ खड़े रहेंगे।